हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल और टेस्टी चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। इसे हम बिना एग और अवन के ही कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू किया जाए। केक बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें हम स्टैंड भी डाल देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट तक गर्म होने के लिए रहने देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक हम यहाँ पर केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इसे हम अच्छे से छान लेंगे और इसमें हम 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और साथ ही साथ 1/4 कप मिल्क, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये वाला चॉकलेट केक है, इसीलिए हम यहाँ पर कोकोआ पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1.5 टी स्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि 1.5 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। हमने यहाँ पर 1 कप के करीब मिल्क का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। वन टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे। जल्दी से हम इसे मिला लेंगे और केक टिन में डाल देंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो हम केक टिन को भी तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो केक टिन को पहले से ही तैयार रख सकते हैं। केक टिन को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ऑयल से चारों तरफ से इसे ग्रीस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर केक टिन की साइज़ के पेपर को कट कर लिया था और इसे हम केक टिन में लगा देंगे और इसके ऊपर से भी हम अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। तो हमारी केक टिन तैयार है, इसमें हम बैटर को डाल देंगे। और कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पर इसे हम 45 मिनट तक बेक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, 45 मिनट बाद हम यहाँ पर केक को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं केक के अंदर नाइफ को डालकर इस तरीके से देख लूँगी। अगर आपको लगे कि केक अभी बेक नहीं हुई है तो और इसे आप 5 मिनट तक बेक कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर केक बेक हो चुकी है, तो इसे हम उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी केक ठंडी हो रही है, तब तक चॉकलेट गार्निश बनाकर तैयार कर लेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी और इसे इस तरीके से एक प्लास्टिक सीट के ऊपर इसे फैलाती जाऊंगी। तो मुझे करना कुछ और ही था और हुआ कुछ और ही है, क्योंकि जो चॉकलेट की लेयर थी बहुत ही पतली थी। तो जब भी आप चॉकलेट गार्निश बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लेयर मोटी रखें, क्योंकि मेरी तरह नहीं तो टूट जाएगी वो, जब सेट होने के बाद निकालने की कोशिश करेंगे आप। तो केक को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट गनाश बनाकर रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैं यहाँ पर उसी में और थोड़ी सी चॉकलेट डाल दूंगी और साथ ही साथ मैं 3 टेबल स्पून मिल्क डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून बटर। तो बटर डालने से होगा ये कि आपकी जो चॉकलेट गनाश है वो बहुत ही अच्छा शाइन करेगी। तो यहाँ पर मैं डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर लूँगी। हमें यहाँ पर पोरिंग कंसिस्टेंसी का गनाश चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे। केक हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम डिमोल्ट कर लेते हैं। डिमोल्ट करने के लिए हम केक टिन के साइड से इस तरीके से चाकू को घुमाते जाएंगे और इसे पलट देंगे। देखिए, ये आसानी से डिमोल्ट हो चुकी है। केक के ऊपर जो पेपर है उसे हम निकाल लेंगे और इसे 2 लेयर में काट लेंगे। चॉकलेट गनाश हमारा बनकर रेडी है। क्रीम भी हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। तो चलिए, अभी से हम डेकोरेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम टर्न टेबल पर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि जो हमारी केक है वो हिले ना। केक की जो ऊपर की लेयर है उसे हम पहले रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे ताकि हमारी जो ऊपर की लेयर है वो फ्लैट मिले हमें। अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर शुगर सिरप अच्छे से केक के ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम केक का जो दूसरा लेयर है उसे भी हम रख देंगे और इसके ऊपर हम शुगर सिरप डाल देंगे और फिर से हम एक क्रीम की पतली लेयर से इसे कोट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम अच्छे से क्रीम डाल देंगे और जितना हो सके इसे हम स्मूथ कर लेंगे। केक हमारी रेडी हो चुकी है तो इसे हम एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ चॉकलेट गनास डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पर चॉकलेट गनास इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। तो हमने जो चॉकलेट गार्निश बनाया था उसे हम निकाल लेंगे। और ये जब हम निकाल रहे थे तो ये टूट रहा था क्योंकि हमारी जो चॉकलेट की लेयर थी बहुत ही पतली थी, तो इसी से हम काम चला लेंगे। जब भी आप चॉकलेट गार्निश बनाएं कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट की लेयर थोड़ा मोटी हो, इससे ये वाला टूटेगा नहीं। तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख दूँगी, सिंपल, कुछ किया तो जा नहीं सकता इसके ऊपर। और मिल्क कॉम्पाउंड चॉकलेट को मेल करके मैं साइड में इस तरीके से डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ी चॉकलेट बॉल्स को भी इस तरीके से सजाने के लिए रख दूंगी। तो हमारी सिंपल सा चॉकलेट केक बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।